नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र राजीव बंसल हांसी की आवाज़ से एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ। मुखातिब हूँ इसलिए कि चुनाव नज़दीक आ रहा है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, प्रदेश का राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज होती जा रही हैं। ऐसे में हम राजनीतिक पर्सनैलिटीज़ के इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं, उनसे बात करते हैं, सीधी बात करते हैं, तीखे प्रश्न उनसे पूछते हैं। आज हमारे बीच सौभाग्यवंश एक ऐसे व्यक्तित्व यहाँ मौजूद हैं हमारे चैनल पर, राजेंद्र ठाकुर, जिन्हें राजेंद्र ठाकुर के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र ठाकुर जी हांसी हल्के के लिए कोई परिचय के मोहताज नहीं। आप लगातार तीन मरतबा आप म्युनिसिपल कमिश्नर रहे, यानी कि नगर पार्षद रहे, और एक बार डिप्टी चेयरमैन भी रहे, और कांग्रेस पार्टी में विगत 45 साल से युवा उम्र से लगातार बने हुए हैं। विभिन्न पदों पर आप सभायमान रहे। युवा होते हुए आपने जेल यात्रा की, पार्टी के लिए संघर्ष किया, विषम परिस्थितियों में भी आपने पार्टी का दामन नहीं छोड़ा और कांग्रेस में हमेशा बने रहे। आज परिस्थितियां कुछ बदल गई हैं, एकदम से घटनाक्रम कुछ बदला हुआ है कांग्रेस के लिए, और बहुत विषम परिस्थितियाँ हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी राजेंद्र ठाकुर कांग्रेस नेता के रूप में जाने जाते हैं और कांग्रेस प्रदेश कमेटी के सचिव के रूप में आज ये शोभायमान करते हैं सबको। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। राजेंद्र ठाकुर जी, सबसे पहले तो आपका अभिनंदन है हमारे हांसी की आवाज़ चैनल। बंसल साहब, आपका धन्यवाद। और आपकी चैनल जो बहुत एक प्रखर रूप से जाना जाता है और साफ गोई के आपका चैनल और आप इंसान है, शुक्रिया इसके लिए। शुक्रिया, आभार व्यक्त करता हूँ मैं आपका। आपने हमारे चैनल के बारे में दो अच्छी बातें की। सबसे पहले हम ये जानते हैं आप कि आप एक युवा उम्र में भी जेल यात्रा करके आए और कांग्रेस पार्टी का कभी दामन नहीं छोड़ा। एक जमीन से सामान्य परिवार में, सामान्य मैं कहूँ कि एक नाई परिवार में, जिसने आपने खुद उस्तरा चलाकर मेहनत कर एक मुकाम हासिल किया, आज भी आप जमीन से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा क्या था कि भी जब आप मेहनत मजदूरी करते थे और एक छोटी सी दुकान, मैंने देखी आपकी दुकान, उसमें रहकर सारे परिवार का भरण पोषण करते थे और फिर राजनीति में भी आप भाग लेते थे, ऐसी क्या आपको ललक थी? मेरा शुरू से ही जन सेवा और राजनीति में शौक था और मैं 75 से कांग्रेस का मेंबर बना था और 82-83 में मैं युवा कांग्रेस का प्रधान भी बना और उसके बाद 87 में मैं 3 दफ़ा पार्षद बना। सबसे छोटी उम्र का पार्षद बना था उस वक्त और मैंने 15-16 दफ़ा से ज़्यादा ही कांग्रेस के हर एजिटेशन में गिरफ्तारियां की, जेल भी गया, इंदिरा जी गिरफ्तार हुई 20 दिन गया, संजय गांधी के साथ भी, हर नेता के साथ, चाहे शमशेर सुरजेवाला हो, रणदीप हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, बलबीर पाल शाह हो, डॉक्टर अशोक तंवर के साथ अब पैदल यात्रा भी की और साइकिल यात्रा भी की और कई दफ़ा उनके साथ भी रोहतक भी और चंडीगढ़ भी विधानसभाओं का घेराव किया। पार्टी का हर कार्य में चाहे कोई भी लीडरशिप आई हो, हमारा एक ही निर्णय रहा है कि देश की सेवा के लिए अच्छे काम करें। और नगर पार्षद होती हुई भी मैंने अपनी ईमानदारी से, आप शहर में भली भांति पूछ सकते हैं कि राजेंद्र ठाकुर कैसा काम करने वाला था, इस चीज़ का मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। हर एक आदमी ने मुझे मान सम्मान हर प्रकार से दिया, जिसका मैं आज भी आभारी हूँ। पार्टी में बड़ी विषम परिस्थितियाँ चल रही हैं, कांग्रेस पार्टी में खासकर। पिछले दिनों कांग्रेस का लोकसभा में जो हासिल हुआ और उससे पहले भी हासिल हुआ कांग्रेस का, और उससे पहले प्रदेश में यानी हरियाणा प्रदेश में भी बीजेपी आई कांग्रेस को मात देकर, और इस बार फिर ये कह रहे हैं कि अगली बार 75 बार और कांग्रेस कहीं नज़र नहीं आती, तो इसका जिम्मेवार किसको ठहराते हैं कि भी दो योजनाओं में लगातार लोकसभा में और हरियाणा प्रदेश में बिल्कुल ऐसा हश्र हुआ, लोकसभा में 2 बार और हरियाणा प्रदेश में 1 बार, अब दूसरी बार अब सुनने में आ रहा है कि अब की बार 75 बार। क्या कांग्रेस के अंदर इतनी ज़बरदस्त गुटबंदी है या नेतृत्व नहीं है केंद्र में जो अब राहुल को बदलकर सोनिया जी को दिया गया है, और प्रदेश में भी नेतृत्व बदल दिया है और अशोक तंवर को बदल के शैलजा जी को लाया गया है? देखो बंसल जी, एक बात मैं आपको बताऊंगा कि राजनीति में कभी एक टाइम नहीं रहता। 70 साल में कई दफ़ा
उतराव चढ़ाव आते रहती हैं। और जब से मोदी सरकार या खट्टर सरकार, ये सिर्फ एक झूठ को ऊपर एक अच्छा सेलमैन नकली माल को भी अच्छा बनाकर बेच देता है, वो इस सरकार का काम है। आप किसी भी फील्ड में, आप मुझे हरियाणा से बता दो कि हरियाणा में ये चीज़ बनी है, कर्जा तो इस सरकार ने खूब लिया है, और विकास बता दो, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री बेरोजगारों को रोजगार, या कोई गरीब हरिजन बैकवर्ड को या छोटा दुकानदार को, किसी भी व्यापारी से पूछ लो कि काम का क्या हाल है, नोटबंदी का क्या असर हुआ है, जीएसटी कितनी डाउन गई है, ये हर फील्ड में फैल है, चाहे मोदी जी हो चाहे खट्टर जी हो। मोदी जी ने हमेशा ही झूठ बोल के एक प्रश्न खत्म नहीं होता उससे अगला प्रश्न जारी कर देते हैं। आपने कही राहुल गांधी जी के बारे में बात, राहुल गांधी ने अक्सर उनको पप्पू कहा था, ये तो बीजेपी की एक छोटी मानसिकता है। उस पप्पू को जिसको ये पप्पू कह रहे हैं, इनके सबसे पहले तो इनकी बोलने की लैंग्वेज ही देख लो कि एक विपक्ष का नेता को जो हम मान सम्मान से बोलना चाहिए कहते हैं कि हम सभ्य हैं। इनकी आरएसएस की प्रणाली में ही देख लो, जो आरएसएस में उसको तो जी करके बोलते हैं, उसके घर का बड़ा हो तो उसको आप करके नहीं बोलते, ये लोग कहने की जरूरत नहीं है। असल में आपको बता रहा हूँ, राहुल गांधी के टाइम में, प्रधान के टाइम में हिंदुस्तान में 6 कांग्रेस की सरकारें बनी, स्टेट में 3 तो इकट्ठी बनी, राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कर्नाटक बनी, पंजाब बनी और गोवा बनी, सबसे बड़ी पार्टी थी जबरदस्ती बनाई इन्होंने, ये कह रहे हैं कि हम दल बदल के विरोधी है, और पारिकर जी थे, पारिकर जी ने जबरदस्ती बनाई। गुजरात में भी इन्होंने झूठ बोल का ड्रामा किया, कांग्रेस की सरकार बनी चुकी थी, पीएम ने वहां जाके गली गली में ड्रामे किए हैं, 4-4 दिन पीएम एक सूरत शहर जैसे में जाके ठहरा है, वहां इसने ये किया है। मिजोरम अरुणाचल प्रदेश में इन्होंने जबरदस्ती सरकारें गिराई, कोई ऐसी सीएम साहब ने कोई हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कूल कॉलेज या कोई बड़ी चीज कोई, तो आपकी यानी कि कांग्रेस के विधायक को थोपते हैं कि वो नहीं नहीं सीएम साहब के नहीं सीएम साहब थे रेलवे विश्वनाथ निश्चित है। आप मेरी बात सुनो, 7 साल पहले रेलवे लाइन की नींव रखे गई थी कांग्रेस सरकार, सारा काम पूरा होगा था, और जो 3 साल में बनकर तैयार होनी थी, 6-7 साल तो हो चुके, 3-4 साल से पहले अभी उम्मीद नहीं है कि ये काम पूरा हो जाएगा। एयरपोर्ट चालू करवा देंगे, एयरपोर्ट तो 1 साल में पहले भी था, कितना एयरपोर्ट कह रहे थे इंटरनेशनल करा देंगे एयरपोर्ट, 3-5 साल हो गए नाना आए में, और अभी तक पूरी तरह से बड़ा भी नहीं है, लोकल भी नहीं बना है 5 साल में, इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं। ये बात तो ये कर रहे हैं कि अब की बार 75 पार जी, वो भाई कोई इन पर कोई जादू की छड़ी या कोई और कोई काम हो तो वो करना नहीं, आप बता सकते हैं कि कोई मैं 75 ले आऊंगा, ये तो कोई ना कोई का बदहाली का किसको जिम्मेवार ठहराते हैं? क्या रेणुका बिश्नोई जो कांग्रेस के MLA है विधायक है वर्तमान में, वो जिम्मेवार है या बीजेपी जिम्मेवार? बीजेपी है, सरकार तो बीजेपी की थी, कांग्रेस विधायक तो विपक्ष में है, विपक्ष में होते भी निष्क्रिय नहीं, उसने अपनी मांग करी, कौन ही उन्होंने काम किया, सरकार ने करना है, आरसी को सरकार ने भी तो देखना है, खाली एक विधायक को तो का तो दायित्व तो नहीं है, सरकार का भी है। आज ये वोट मांग रहे हैं, काम इन्होंने किया ही नहीं, आप मुझे ये बताओ, वोट तो मांगने लग रहे हैं, इन्होंने काम कौन सा किया आरसी में, कौन सी जड़ी लगा रखी है काम, ये काम तो बता दो। अब तो यानी डिवाइडर बना रहे हैं, उन पर काला देखो, नगर परिषद डेकोरेट कर रहे हैं, नगर परिषद हम पहली बार ही बने थे 87 में जब विपक्ष की सरकार थी, जी जी कांग्रेस की नहीं थी, सब कमेटियों में पैसा आता है जब किसी की सरकार हो कांग्रेस की हो, और वो रूटीन के मुताबिक टैक्स तो आरसी के लोग भी देते हैं, वो तो जी जी जी, तो वो तो काम उस टाइम भी होते थे, और कमेटी में भी आमदनी होती है, वेम भी होती है, करते हैं, तो भ्रष्टाचार कमेटी में, भ्रष्टाचार की बात करती है बीजेपी, तो भ्रष्टाचार तो है ही नहीं बीजेपी में, आने वाला टाइम में देखना जब बीजेपी के पर्दे खुलेंगे, हिब्बत वगैरह अच्छे शोर मचारे हैं, 75 पार मैं कहूँगी 70 से बाहर होंगे। राजेंद्र ठाकुर एक बहुत बड़ा कद रखते हैं, जो 3 बार MC भी रह चुके, वाइस चेयरमैन भी रह चुके, और प्रदेश कार्यकारिणी के यानी कि आप सचिव हैं कांग्रेस कमेटी के, क्या दिल की इच्छा नहीं है कि आप, दिल से इच्छा नहीं है कि आप चुनाव लड़ें, टिकट मिले आपको? आप कभी भी टिकट के यानी दावेदारी नहीं दिखाई, इस बार आप अब कितना अपने आप को टिकट मांगेंगे? पार्टी ने टिकट दे ही तो आप लोगों का सहयोग से लड़ेंगे,
ना दे तो जिसने दे उसकी मदद कर देंगे अपने। आप इस बार कितना अपने आप में यानी कि क्लेमेंट हैं, कितना दावेदार समझते हैं? मैं तो दावेदार ठीक हूँ, आगे पार्टी और नेताओं की इच्छा है। यानी कि चुनाव लड़ने की इच्छा है इस बार आपकी, पहले आप मना करते थे? ना मना तो नहीं किया कभी भी, लेकिन पार्टी की इच्छा दावा भी नहीं पेश किया कभी आपने? ना किया कभी। इन विषम परिस्थितियों में बाय द वे आपको टिकट मिलती है, अब पार्टी के अंदर आपके कितने रह गए हैं कि नहीं? तेलुराम जागड़ा जी टिकट मांग रहे हैं, सुमन शर्मा जी टिकट मांग रहे हैं, विनोद मेहता जी चले गए, विनोद खन्ना जी चले गए हैं छोड़ के, अब तीन चार हैं जिनमें सबसे यानी कि ऊपर आपका दावा बनता है। तो इस दावे को आपने शैलजा जी के बड़े नज़दीक हैं कहाँ तक पहुँचाया है? भूपेंद्र हुड्डा जी जो यानी कि दबाव की राजनीति करके वापस कांग्रेस में आ गए हैं और ऊपर से गुलाम नबी आज़ाद जी के साथ सेटिंग कर दी, तो आप भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ भी बड़ी नज़दीकियाँ हैं आपकी, तो कितने अस्वस्थ हैं अपने टिकट को लेकर? टिकट मिल जाने पर आप किस तरह फाइट करेंगे जरा हमें बताएं। देखो टिकट देना तो पार्टी और पार्टी के नेताओं का काम है। अस्वस्थ कितने हैं? मैं तो पूरी तरह से अस्वस्थ हूँ। रही बात कि टिकट मिलेगी तो लाजमी जीतेंगे हम। लाजमी किन शर्तों में जीतेंगे? अपने भारतीय जनता पार्टी को कैसे मात देंगे आप? वो तो आप देख रहे, एक बार टिकट लिया हो फिर मैं आप पे कर दूंगा काम। टिकट तो लाना आपका काम है साहब, ये तो आप लोगों का सहयोग भी जरूरी है। हम तो बाकी सारे पार्टियों में एक बात कही, दे देगी तो लड़ेंगे और जिसको देव उसके लिए तो उसकी मदद करेंगे, चाहे किसी भाई को मिलो, चाहे सुमन को मिलो, तेलुराम को। अब मुझे बताइए कि कांग्रेस में कोई गुटबंदी नहीं है क्या? अशोक तंवर जी को किनारे लगा दिया, हाशिए पे रख दिया है, भूपेंद्र हुड्डा जी फिर मुख्य धारा में आ गए के बाद और शैलजा जी को गद्दीनशीन कर दिया। ना ना कोई ऐसी बात नहीं, कोई गुटबंदी नहीं है यहाँ, सब सोनिया गांधी के नेतृत्व में सब काम कर रहे हैं और सब एक है। तो राहुल जी को क्यों छोड़ा? राहुल जी को काटने दिया, थे उनको फिर चलो उन्होंने दे दिया इस्तीफा, उनकी इच्छा नहीं थी आगे काम करने की। क्या उनमें कैपेबिलिटी नहीं है क्या? नहीं है क्यों नहीं, मैंने आपको गिनाया, उन्होंने 5 साल में 6 स्टेटों में कांग्रेस की सरकार बनाई है। मैं कहता हूँ दावा से इतना तो कोई भी नहीं कर सकता। और जिस दिन मोदी जी हट गए, ये 15 साल में 1 स्टेट बना के दिखा देना, राहुल ने तो 6 साल में बना दी थी। तो यानी कि मोदी माइनस बीजेपी जा रहा, बिल्कुल बिल्कुल, ये जो नोटबंदी की है इन्होंने, जीडीपी की डाउन गई है इतने, वो हर तरह से बिजनेस में और ये जितनी इंडस्ट्रियां थी सब डाउन होती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, आप देख रहे हो कितनी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, कितना व्यापार धीमा हो चुका है हर शहर में, देख लो पता कर लो। धारा 370 हटाकर 35 से हटाकर एकदम से पूरा कश्मीर को अपना बना दिया। नहीं एक बात तो पहले कश्मीर नहीं था, बहुत ज़्यादा नहीं, नहीं नहीं नहीं, मैं 83 में 82 83 80 में कश्मीर गया हूँ, उस टाइम भी धारा 370 थी, वहाँ कोई झगड़ा नहीं था किसी किस्म का भी, कोई झगड़ा नहीं था। ये झगड़ा तो पाकिस्तान से हुआ शुरू, कि पाकिस्तान की एक चाल थी कि कश्मीर और पंजाब में आग लगाई जाए, यहाँ के नौजवानों को भड़काया जावे। ठाकुर जी आखिरी प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ कि बीजेपी में भेड़चाल है, सब बीजेपी, चलो बीजेपी, चलो बीजेपी, क्या बीजेपी इतनी यानी कि कंफर्म हो गई है कि भी इसकी 75 सीटें आएंगी, इसलिए लोग अब बीजेपी में जा रहे हैं, क्या ये वापस आना बैक टू पेवलियन भी होगा क्या इन नेताओं का? वेट एंड वॉच, थोड़ा इंतजार के इस चुनाव में पता लग जाएगा। जो ये लाइन लग रही है नहीं टिकट वालों की, ये जल्दी वायदा में राजेंद्र ठाकुर MLA बनते हैं हासिल है और विपक्ष में भी भूमिका अपनाते हैं या पक्ष में आती है विपक्ष में आती है, आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी हासिल के अंदर काम के लिए? वो काम तो मैं सारे जानूँ, एक बार MLA बन जाने दो। नहीं तो काम का तो जो शहर का बासिंदा होता है, गांव का बासिंदा होता है, अपने इलाके की समस्याओं का आपको पता है, सब पता होता है, वो तो एक अनजान आदमी काम बात करता है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, हर एक आदमी को पता है, और जिसको जिम्मेवारी मिले MLA की मिलो MP की बनो उसकी जिम्मेवारी। आप बताइए आखिर प्रश्न पूछ रहा हूँ कि क्या कांग्रेस प्रदेश ने सरकार बनाई, बीजेपी का जो अभेद किला है इसको तोड़ेगी, इसका जो एक आसोथामा रथ निकल चुका है इसको रोकेगी, इसके नकेल डाले? ये तो रुक ही गए बस, अब तो पार की जो आवाज उठी ये तो सत्ता से बाहर होंगे बस अब जी। आप श्योर हैं? बिल्कुल श्योर। आपने ये भविष्यवाणी कर दी?
बिल्कुल भविष्यवाणी है। अब ये 75 पार का नारा जो इनका एक बड़े कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास से कह रहे हैं, चलो मैं कहता हूँ 85 लाओगे, 85 आने आसान काम थोड़ी है, ये तो एक अलग बात है। ये थे राजेंद्र ठाकुर जी हमारे, जो कह रहे हैं कि बीजेपी का एक नैरेटिव है, झूठा नैरेटिव है, नैरेटिव इंग्लिश का शब्द है, कि एक सुगोफा छोड़ते हैं बीजेपी वाले अब की बार 75 पार। शैलजा जी फिर से गद्दीनशीन हुई हैं प्रदेश अध्यक्ष और मजबूत होकर कांग्रेस में, ये बता रहे हैं कि गुटबाजी भी नहीं होगी। किसी ने कहा, एक नेता से पूछा कि अरे नेताजी तुम इतना वो कमाते हो तो ये कहाँ जाता है? बोला भाई मैं तो इतना पाप कमाता हूँ और ये पाप मैं गंगा जी में धो आता हूँ। तो गंगा जी के पास गया, अजी गंगा जी आपके पास इतना पाप आता है तो इस पाप का करते क्या है आप? भाई धूप आती है और वो धूप मैं समुद्र में गिर आता हूँ। फिर वो समुद्र के पास गया, भी इतना पाप आपके पास आता है, नेताजी पाप कमाते हैं गंगा जी में धो आते हैं, गंगा जी धूप से आपके समुद्र में गिर आती है, समुद्र भगवान तुम कहाँ इस पाप को समाते हो? बोला भाई ये वाष्प बन के मैं आसमान में भेज देता हूँ। फिर वो आसमान से बात करने लगा, आसमान भगवान बताइए कि भी इतना पाप आपके पास इकट्ठा होता है तो उसका करते क्या है? बोला भी चुनाव के दिनों में जिसका जो पाप होता है मैं उसको वापस लौटा देता हूँ। तो ऐसा आसमान ने कहा। तो जितना जो नेता पाप करता है उसका वाष्प बन के उसी के ऊपर चुनाव के दिनों में आ जाता है, उसका कहना था। तो ऐसे एक बिल्कुल साफ बोल के बिल्कुल स्पष्ट वादिता रखने वाले ठाकुर जी हमारे चैनल पर आए, आपने बड़ी स्पष्ट पासे एक एक बात लोगों के सामने रखी और इतने आश्वस्त हैं कि हम आंसू थामा रथ बीजेपी के रोकेंगे और 75 पार नहीं जाने देंगे।